महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब यूनिवर्सिटी की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। छात्रा के समर्थन में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को शिक्षक लगातार परेशान कर रहा था। शिक्षक ने छात्र के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। छात्रा के समर्थन में यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र छात्राएं भी आ गए। जमकर यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, उसके बाद सभी ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रा ने मांग की है कि छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को तुरंत सस्पेंड किया जाए, साथ ही शिक्षक पर FIR दर्ज कराया जाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जब छात्र नारेबाजी कर रहे थे, तब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को भी बुला लिया था और पुलिस ने छात्रों को शांत कराया। वहीं इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी कुल सचिव ने कहा कि जिस छात्रा ने आरोप लगाए हैं वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी ये छात्र हंगामा कर रहे हैं, शांति भंग करना चाहते हैं। बता दें कि मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा कर रहे थे, जिसको हमने शांत किया है। यहाँ पर अभी एक घटना हुई है, एक टीचर के द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला आया है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसको गलत तरीके से छुआ गया है, उसके साथ गलत किया गया है। छेड़खानी, टीचर का नाम है जयप्रकाश राजपूत, हिंदी विभाग का है कोई, उसने छेड़खानी की एक छात्रा के साथ। हम चाहते हैं को उसको सजा मिले छेड़छाड़ की, और उसके ऊपर कार्रवाई हो, FIR हो, और साथ ही साथ उसको सस्पेंड भी किया जाए, और साथ ही साथ ऐसी जो घटना हो वो बचे, छात्रा को सुरक्षा हो। घटनाक्रम तो ये गोपनीय है, कोई घटना नहीं हुई अभी, घटना पुरानी बताई जा रही है। और चूंकि छात्रा की शिकायत है और उसने मीडिया में हाईलाइट होने से या मीडिया में खबर जाने से मना किया, इसलिए जो है उस पर विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती। ज्ञापन देना था इन लोगों को और ये ज्ञापन देने के लिए आए थे, इसमें भीड़ हुई थी और इसमें फिर हमने छात्रों को अंदर ले आकर ज्ञापन दिलवाया गया और इनकी जो शिकायत थी वो दिलवाई गई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।